एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर स्पार्क या चेवरलेट की ओर मिस फायर हो रही हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो और दोस्तों, मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि मेरी न्यू चैनल है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप उसे सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल पर हम सीखेंगे कि आप अपने पैशन के थ्रू साइड इनकम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से उसे इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मतलब पैसे को वर्क पर लगा के किस तरह से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं जिस ट्रिक का यूज़ कर रहा हूँ वैसे आप भी उस ट्रिक का यूज़ करें और आप भी फ्यूचर में अपने आप को ग्रो कर पाए। तो चलो इसे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब मैसेज प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। और दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय न्यू चैनल। एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चेवरोलेट स्पार्क है तो इसमें क्या हो रहा है, गाड़ी मिस फायर हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है और कहीं सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। देखो दोस्तों, हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, आरपीएम अप डाउन हो रहा है और गाड़ी आप पूरी तरह से वाइब्रेशन भी ले रही है और चेक इंजन लाइट भी कंटिन्यू है। इंजन की ओर आपको मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, पूरी तरह से वाइब्रेट हो रही है, गाड़ी पिकअप भी नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं इंजन पूरी तरह से वाइब्रेट हो रहा है, आरपीएम भी अप डाउन हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है उसे आज हम फाइंड करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ साइलेंसर के पास आके आपको पता चल जाएगा गाड़ी किस तरह से मिस फायर हो रही है। आप देख सकते हैं घर घर आपको आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा जब होता है गाड़ी मिस फायर होती है तभी इस तरह से होता है। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम कार को स्कैन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने अपना ओबीडी है उसे कनेक्ट कर दिया है और गाड़ी को स्कैन करते हैं पहले। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फास्ट स्कैनिंग करके देख लेते हैं। गाड़ी वाइज जनरल नहीं करते, पहले सबसे पहले इसे फास्ट स्कैन करके देख लेते हैं कि हमें फास्ट प्रॉब्लम पता चल जाए। ओके दोस्तों, स्कैनिंग प्रोसेस कम्प्लीट हो गई है। यहाँ पे हमें रीड ट्रबल कोड के ऑप्शन आ चुका है, पहले हम इसका ट्रबल कोड है उसे रीड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो ट्रबल कोड है P0444 है। तो ये प्रोटी इमिशन सिस्टम होती है दोस्तों, इसके अंदर इसका प्रॉब्लम है P0444। तो दोस्तों, इस मिस फायर का मैं आपको रीज़न ढूंढ के बताता हूँ अभी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी हमने क्या किया, इसको बाहर निकालते हैं, इसके 12 वायर रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर आ रहा है, पावर का प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको पावर नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर भी बहुत कम पावर आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं जितना आना चाहिए उतना पावर नहीं आ रहा है। इसके वायर को सब तरह से चेक कर लेना है, देख लीजिए दोस्तों बहुत कम पावर है। इसके कोयल है उसे हमें पहले चेंज करके देखना होगा। इसकी न्यू कोयल डाली है, इसकी पुरानी कोयल है। इस न्यू कोयल के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं पावर हमें भी कम लगा रहा है। उसमें क्या, इस कोयल के अंदर क्या प्रॉब्लम था कि दो में पावर नहीं आ रहा था, दो में पावर आ रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी मिस फायर हो रही थी। आप देख सकते हैं अभी ये कम्प्लेक्स चल भी रही है। तो यही दिक्कत थी दोस्तों, इसके दो प्लग में पावर आ रहा था, दो में नहीं आ रहा था। हमने इसके प्लग भी निकाले और उसको भी चेक कर लिया, दो प्लग वर्क कर रहे हो गए और दो प्लग वर्क नहीं करे तो गाड़ी मिस फायर का प्रॉब्लम दिखाती है। स्कैनिंग के अंदर जो हमने प्रॉब्लम देखा था वो हमने पहले एक बार क्लियर किया था, इसके ये प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा था, वो दिखा रहा था। और दूसरा प्रॉब्लम था कि वो जहाँ वैक्यूम के लिए जो प्रॉब्लम रहता है वो हमें शो कर रहा था, पर इसका मेन प्रॉब्लम है मिस फायर का था वो ये पावर की वजह से हो रहा था। तो इसका कोयल चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैसेज प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। और दोस्तों, मेरी दूसरी जो चैनल है गौतम गोपाणी डिजिटल, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं उस पर सिखाऊंगा कि आप अपने पैशन के थ्रू साइड इनकम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं और आप उसको अपने आप को डेवलप करके किस तरह से रिच पर्सन बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम वहाँ सीखेंगे, आगे मैं इसमें आपको साइड इनकम के तरीके दिखाऊंगा, जिससे आप मैं जो जिस तरीके से इनकम जनरेट करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई न्यू चैनल।